तो अभी देखते हैं डायोड। मैं डायोड दिखाता हूँ आपको बोर्ड पे कुछ। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका थ्री लेग डायोड। ये जो देख रहे हैं D4 डायोड, ये थ्री लेग डायोड है। अब इसके अंदर दो डायोड है, इसके अंदर दो डायोड है। अब वो डायोड कैसे है उसके लिए हमें थोड़ा सा फिगर बनाना पड़ेगा। इस तरह से थ्री पिन है, हो सकता है आपका इस तरह से एक डायोड हो और इस तरह से एक डायोड हो। इस तरह से हो सकता है डायोड हो, है ना? मतलब किसी भी तरीके से ये डायोड हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसे चेक करेंगे, फिर हमें पता चलेगा इसके अंदर डायोड किस तरह से है। मल्टीमीटर को चेक सेट करेंगे डायोड रेंज पे, ओके। और यहाँ पे है हमारा डायोड, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। प्रॉप चेंज करेंगे, वैल्यू नहीं है। तो अभी जो हमने चेक किया था वो क्या था, इस पिन से इस पिन के लिए, और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो डायोड हो जाएगा इस तरीके से। अब दूसरा डायोड चेक करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। प्रॉप चेंज करते हैं, वैल्यू नहीं है, मतलब दूसरा डायोड इस तरीके से, मतलब ये इससे मैच कर रहा है। इस तरीके से इसके अंदर दो डायोड है, ओके। और डायोड का टेस्टिंग भी क्या है, ये एनोड, ये कैथोड, यहाँ पे रेड होगा, यहाँ पे ब्लैक होगा, तो वैल्यू आएगा 3, 4, 5, है ना, 200 से 750 के आसपास, कभी कभी 100 भी आएगा। यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे रेड, इस तरीके से तो नील आना चाहिए, कोई वैल्यू नहीं, है ना? अगर ब्लैक या फिर रेड, रेड या फिर ब्लैक और बीप आ जाता है, बीप या फिर नो वैल्यू, दोनों साइड से कोई वैल्यू नहीं आता और बीप आ जाता है, बीप आया मतलब शॉर्ट है, कोई वैल्यू नहीं आया मतलब ओपन हो चुका है, दोनों कंडीशन में क्या है, फॉल्टी है, ओके। तो हम टू लेग डायोड ढूंढने का कोशिश करते हैं, बहुत कम होते हैं ये डायोड वगैरह, तो मिलना मुश्किल होता है, बट मिल जाएगा, वेट कीजिए। डायोड डायोड डायोड, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये डायोड है, ये मार्किंग बता रहा है कि इसका, ये मार्किंग बता रहा है इसका कैथोड इधर है, एनोड इधर है, कैथोड इधर है, एनोड इधर है, ओके। डायोड के ऊपर भी एक मार्किंग होता है, तो चेक करते हैं अभी हम इसे। ब्लैक कैथोड पे है, ब्लैक कैथोड पे है और ड्रेन पे एनोड है, तो वैल्यू आना चाहिए, आ रहा है। प्रॉप चेंज करेंगे, वैल्यू नहीं आना चाहिए, वैल्यू नहीं आ रहा है। ये जब 700, 750 से प्लस हो तो वो वैल्यू नहीं माना जाएगा, तो ये ओके है। इसके पास वाला डायोड नो वैल्यू, वैल्यू ओके है, तो ये दोनों भी डायोड ओके है। तो इस तरह से आप डायोड चेक करेंगे, अगर कंटिन्यू बीप आता तो ये डायोड फॉल्टी था, या फिर कोई वैल्यू नहीं आता तो भी फॉल्टी था।